हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको बोला था कि कुछ देर रुक जाइए, थोड़ा सा और क्वेश्चन आएगा तो मैं फिर से डालूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन आ गया है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हर शिफ्ट का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। सबसे पहले एकदम बिल्कुल सही एकदम फेक एक भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये 6-7 क्वेश्चन मेरे पास आया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, करप्शन प्रोफेशनल इंडेक्स में भारत का रैंकिंग कितना है? तो इसका है आंसर 81वां रैंकिंग। नेक्स्ट है, हैप्पीनेस रैंकिंग में कितना है? तो 133वां रैंक है। विटामिन ई का केमिकल नेम है तो क्या है? तो टोकोफेरॉल। जुपिटर के मून की संख्या पूछी थी, अभी वर्तमान समय में जुपिटर के मून की संख्या कितनी है? तो 12 मून है कुल मिला के। एग्जाम वॉरियर्स बुक्स कौन के राइटर कौन है? तो एग्जाम वॉरियर बुक्स जो है लिखे हैं वो उनके राइटर हैं पीएम मोदी जो जी हैं। मलेशिया की राजधानी कहाँ है, ये पूछी गई थी क्वेश्चन, क्योंकि अभी अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जो है मलेशिया गए थे। तो उसी जहाँ जहाँ भी गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो अभी आप वर्तमान समय में करंट अफेयर्स में जहाँ भी पीएम मोदी गए हैं उन सब देश की राजधानी उसकी करेंसी जरूर आप याद कर लें। यहाँ पर मलेशिया की राजधानी पूछी थी तो उसका होता है कोलालंपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब कौन जीता था? तो इसका आंसर है रोजर फेडर। तो दोस्त जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है वो जरूर देख लें, विंबलडन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, जितना भी हाल ही में टेनिस में जो भी टूर्नामेंट हुए उसके खिताब के विजेता और उपविजेता के नाम जरूर पढ़ लें। और जो भी पीएम मोदी जहां भी अभी देश में यात्रा किए हैं उन सब का आप राजधानी जरूर याद कर लें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो मैं फिर से कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर वीडियो हर शिफ्ट का क्वेश्चन मैं आपके लेके आऊँगा सबसे पहले।